दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याएं भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं भी बातचीत से हल होती हैं, और बातचीत के लिए हमारी सरकार हमेशा तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि बातचीत के रास्ते खुले हैं, तो उनको बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। धरना देने का, प्रदर्शन करने का प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन इस बात की चिंता जरूर करनी चाहिए कि हमें अपना वो अधिकार इस्तेमाल करते हुए दूसरों के अधिकार का हनन ना हो, आम जनता को दुख तकलीफ ना हो। इसलिए किसान नेताओं से मेरा अनुरोध है कि वो 6 तारीख का चक्का जाम स्थगित करें। कोई उकसा रहा है सर इनको? नहीं, वो आप देख ही रहे हैं कि ये किसान मंच ना होके राजनीतिक पार्टियों का मंच बन गया। सभी राजनीतिक नेता वहां पर जाकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मेरा अंतिम सवाल, दीप सिद्धू ने कहा है कांग्रेस पार्टी ने भी उनसे मिलने का प्रयास किया था, आप नीचे कर लिया था, तो क्या ये पार्टी अभी इस दीप सिद्धू को आगे करने में आगे हैं, या किस तरह से जो पीछे 26 जनवरी के ऊपर गड़ हुआ है? नहीं, ये सब पार्टियां हाल नहीं होने देना चाहती है, वो हर वो कदम उठाना चाहती है कि जिससे झगड़ा बना रहे। तो दीप सिद्धू से कनेक्शन है इनका? नहीं, जब दीप सिद्धू कह रहा है मिलने का प्रयास किया, तो फिर किसी सबूत की जरूरत नहीं है।